शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खुश रहो बेटा। नहीं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देता हूँ। ठीक है बेटा। अरे वाह, आज आलू के पराठे बनाए तुमने। आपको पसंद है ना आलू के पराठे? से आज मैंने सुबह उठ के ही बना लिया था। कितना ख्याल रखते हैं बेटा तू मेरा। अब आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका ख्याल रखूंगा। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर वो सरिता आंटी के यहाँ जाना है सत्संग के लिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और सुन, मेरी शाल भी रख लेना। हाँ मैंने ऑलरेडी रख दिए। सरिता, आज सत्संग में कितना अच्छा लगा ना। हाँ दीदी, हाँ वाकई में। अगले महीने फिर से सत्संग है कानपुर में गुरुजी का। अच्छा? हाँ, हम जाने वाले हैं वहाँ। आपको और श्याम को भी आना हो तो बता दीजिए। नहीं आंटी, वो जाने का मन तो है पर क्या है कि ऑफिस में ऑडिट का काम चल रहा है। वैसे आपको जाना तो आप जा सकती है ना। अरे नहीं नहीं, अब इसे अकेले छोड़ के कैसे जाऊंगी। अगली बार जब गुरुजी आएंगे ना, तब हम उनका सत्संग दोबारा सुन लेंगे। ठीक है। अच्छा अब मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग बात करिए तब तक। ठीक है बेटा। कितना संस्कारी बेटा है आपका, कितनी इज्जत करता है आपकी दीदी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे। हाँ आजकल के लड़के कहाँ शराब लड़कियाँ इन सब में बिजी रहते हैं, और आपका बेटा सच में हीरा है। दीदी आपने इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? एक दो बार बात करनी चाहिए थी मैंने, तो कहता है माँ जो हमें समझे, हमारे पूजा पाठ की जो दिनचर्या है उसको समझे, ऐसी लड़की चाहिए। अब इस जमाने में ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी सरिता? है ना दीदी, हमारे सत्संग की है, पूजा नाम है उसका, उसके माँ पापा हमेशा आते हैं हमारे यहाँ सत्संग में। अच्छा? हाँ जी, वो भी एक दो बार आई है, आपने भी देखा होगा उसे। उसके पापा को हमारे श्याम जैसा ही लड़का चाहिए है, संस्कारी, पूजा पाठ में मन लगाने वाला। अरे वाह, तो फिर मिलवाओ ना हमें, क्या पता भगवान ने मेरे शाम के लिए इसी लड़की को बनाया हो। हाँ जरूर दीदी। अरे बहन जी, सरिता जी ने आपके परिवार की इतनी तारीफ की कि हम तुरंत ही आ गए, जरा भी इंतजार नहीं किया। ये आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब, रिश्ते की बातों में देर होनी भी नहीं चाहिए। अरे दीदी पहले श्याम को तो बुलाइए आप। अरे हाँ हाँ, मेहमान आए थे ना तो चाय बना रहा है। श्याम बेटा चाय बन गई, आ जाओ जी। श्याम बेटा ये पूजा के माता पिता हैं, पैर छो। जुग जुग जियो। जितना सुना था उससे भी कई ज्यादा संस्कारी है आपका बेटा। मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी बात करने देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। श्याम बेटा पूजा को घर दिखाओ। जी आइए। भाई साहब आप लोग चाय लीजिए ना, सरिता जी नाश्ता जी। आइए। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि मतलब पहली बार किसी लड़की के इतने करीब खड़ा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। दरअसल मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे मतलब बात तक नहीं किया है, तो सच में बहुत भोले हैं आप। वैसे आपको चाय बनानी भी आती है? हाँ मतलब
चाय क्या, मैं तो खाना भी बना लेता हूँ और घर के सारे काम कर लेता हूँ मैं तो। चलो अच्छा है, मुझे भी टेंशन नहीं होगी। मुझे ना घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। बहुत परेशान रहते हैं वो, बहुत रोक टोक करते हैं मुझ पे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, रात देर तक घर से बाहर मत रहो, ज़्यादा पैसे मत खर्च करो। तो मैं भी चाहती हूँ कि शादी करके किसी दूसरे के घर चली जाऊँगी तो शायद इन रोक टोक से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे आप तो मुझ पर इतनी रोक टोक नहीं लगाएंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप यहाँ आएंगी, अगर आती हैं आप तो आपका ख्याल रखना या मतलब आपका देखभाल करना हमारा एक कर्तव्य होगा। तानी कहाँ रह गए, कितनी देर हो गई। अभी तक नहीं आए यार, कितनी देर हो गई है। पता नहीं क्या कर रहे हैं श्याम जी। जुग 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 बेटा, और अब जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी। पूजा जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, खाइए और बताइए कैसा बना है। क्या हुआ, लीजिए। अरे मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, लीजिए लीजिए। अच्छी बनी है ना, आपको पता है मेरी मम्मी को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा सुनिए, कल जो आपको कपड़े पहनने हैं ना तो आप निकाल के रख दीजिएगा, तो मैं सोने से पहले सब आयरन करके रख दूंगा, ठीक है। वो क्या है, कल सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है तो कहीं देर ना हो जाए, है ना। मतलब हम साथ नहीं सोएंगे? साथ में, अरे अभी पूरा किचन का काम बाकी है। वो क्या है, सोने से पहले मैं पूरा एकदम रसोई से साफ वाफ करके फिर सोता हूँ। अब वो सब छोड़िए, आप ये लीजिए खाना खाइए पहले, लीजिए लीजिए, अरे लीजिए। हाँ चलिए, मैं किचन साफ करके आता हूँ और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, ठीक है। खाइए। अरे यार, घर से निकलने के चक्कर में ये कहाँ फंस गई मैं। मैंने तो पति मांगा था, ये पति के रूप में पत्नी जैसा फील क्यों दे रहा है। ये घर तो मेरे घर से भी ज्यादा अजीब है, कम से कम वहां सोने को तो मिलता था। अरे अच्छा हुआ आप जल्दी उठ गई, आइए लीजिए प्रसाद ले लीजिए। अरे रुको, क्या है बहू, हाँ तुम बिना स्नान के ही बाहर आ गई। चलो जाओ स्नान करके आओ, भगवान का दीपक जलाओ, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। चलो जाओ यहाँ से।
लिए तैयार हो ना बेटा? तभी बहू आती है फिर हम चलते हैं। बहू आज हम सत्संग जा रहे हैं तो तुम भी तैयार हो जाना। सत्संग? मैं? हाँ, वहां पे तुम्हारे घर वाले भी आने वाले हैं तो मिलना भी हो जाएगा और प्रवचन भी सुन लेंगे। पूजा जी आप नाश्ता कर लीजिए ना, तो फिर देर हो जाएगी मैं सत्संग के लिए। इसे क्या हुआ? मैं देखता हूँ। पूजा जी क्या हुआ आपको? ऐसे अचानक उठ के आ गई, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, इतने प्यार से बनाया था आपके लिए। चुप, ये सब क्या है? तुम मेरे पति हो या पत्नी? जब देखो खाना खा लो, किचन साफ कर देता हूँ, आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ, शादी करके आई हूँ मैं यहाँ और तुम मुझे सत्संग में ले जाना चाहते हो? अब मैं हनीमून पे जाने के बजाय सत्संग में जाकर प्रवचन सुनूंगी क्या? मैं तो बस आपका ख्याल रख रहा था। मैं कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल रखने का। जिस चीज का ख्याल आपको रखना चाहिए उसका ख्याल तो आपसे रखा नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, आप एक इतना गुस्सा मत करिए, आप शांत हो जाइए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मम्मी से कह देता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सत्संग नहीं आ पाएंगे। आपको जो करना है आप करिए, बस मेरा दिमाग खराब मत करिए। ठीक है आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए आराम से, मैं जल्दी सत्संग से लौट आऊंगा। ठीक है, क्या सोचा था और क्या हो गया है यहाँ? अभी मुझे आधे घंटे और एरोबिक्स करना था ना। ये क्या नाच लगा रखा है बहू? हाँ, और ये किस तरह के कपड़े पहने तुमने? क्या हुआ, कैसे कपड़े? और माजी से नाच नहीं कहते, इसे एरोबिक्स कहते हैं। आप अंदर चलिए, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं समझा देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम, हटो। चाची चाची आप भी ना। जय, कुछ काम था? अरे हमारी माता जी प्रसाद भेजी आपके लिए, आप लोग आए और बिना प्रसाद लिए वापस आ गए। अरे ये सरिता भी ना, धन्यवाद कहना उसे। जय बेटा अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई है ना, संभाल के जाना। ठीक है चाची, फिर श्याम भैया। ठीक है चलिए। ये क्या तरीका है? हाँ, नई नवेली दुल्हन ऐसे कपड़े पहनती अपने ससुराल में? क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? और वैसे भी आपके यहाँ नई नवेली दुल्हन को हनीमून की बजाय सत्संग चलने के लिए पूछने का भी रिवाज तो नहीं होगा ना माजी? और वैसे भी ना मुझे एरोबिक्स करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। बेटा समझा बहू को, ना समझ होना अलग बात होती है और बदतमीजी करना अलग। मैं बात करता हूँ। क्या अच्छे दिन यार, ये घर तो मेरे माँ बाप के घर से भी ज्यादा गया गुजरा है। मेरा पति पति नहीं घर की गृहिणी बना हुआ है, जब देखो घर के काम करता रहता है यार, और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें पूजा पाठ। ऐसा लगता है जैसे उसने मुझसे शादी तो कर ली है पर उसको पता ही नहीं है कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखना है। अरे लोग यहाँ मरते हैं कि उनका पति घर के कामों में हाथ बटाए, तेरा तो सब बिन बोले करता है, तुझे तो खुश रहना चाहिए। खुश? अरे काम के साथ साथ उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि बीवी को कैसे खुश रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है यार। हाँ फंस गई हूँ मैं। उसे पता नहीं पर तुझे तो पता है ना, तू कदम बढ़ा ना, देखना तुरंत तेरी बाहों में आ जाएगा।
कहाँ चली गई पूजा जी? पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, आप अंदर हैं क्या? पर ये सब क्या है? वैसे अच्छी लग रही है काफी, पर वो मैं दूध लेके आया था आपके लिए, आप पी लीजिए ना तो ठंडी हो जाएगी। चलिए पूजा जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब आपको शोभा नहीं देता है। मतलब बीवी हूँ तुम्हारी मैं, तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? आप किसी के साथ भी नहीं करेंगी ये सब। कहना क्या चाहते हो किसी के साथ भी नहीं करेंगी? पूजा जी, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको कितनी इज्जत से देखता हूँ, आपका कितना सम्मान करता हूँ। पूजा जी, ये पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। पूजा जी प्लीज, आप मेरे लिए देवी का रूप है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। मैं तो आपकी जिंदगी पर सेवा करना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ। पूजा जी प्लीज, ये सब आप मुझसे मत करें, ये सब नहीं हो पाएगा। जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या देख रहे हैं हम? ऐसी कौन से प्यास अधूरी रह गई थी कि जिसको बुझाने के लिए धुएं का सहारा लिया जा रहा है? अरे रे, आप तो बुरा मान गई। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो आपके शुभचिंतक हैं। एक हमको मिलेगा एक सिगरेट आपका? ये वाली चलेगी आपको? अरे हमें तो सब कुछ चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, थैंक यू। ये ले जाओ। एक बात बताएं भाभी जी आपको, हमारे श्याम भैया ना बहुत भोले हैं, है ना? भोले नहीं, एक नंबर के इडियट हैं वो। पता नहीं ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं। क्या ना भाभी जी, मुझे लगता है श्याम भैया ने आपके नाम को ना बहुत सीरियसली ले लिया। जिंदगी भर वो पूजा करते रहे और शादी के बाद भी बीवी की सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं, है ना? पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई, आप जैसे खुले विचारों की लड़की, मॉडर्न और इस संस्कारी घर में आप पूरी जिंदगी कैसे रहेगी, वो भी देवी बनकर? नहीं रहूंगी मैं, मैंने जिंदगी ऐसे जीने के लिए शादी थोड़ी की है। नहीं रहेंगी पक्का? तो फिर क्या करोगी? निकल जाऊंगी। अच्छा,